फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी और उसके लिए हमें सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे। तो हमने एक छोटा प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है और अब हम लेंगे इसमें बेसन। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, मिक्स हर्ब्स लेंगे हम और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हाँ, तो ये हमारा पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया है। इधर हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया है और अब हम इसमें अपने पकौड़े बनाएंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हमने दो कटोरी इसमें लिया है बेसन और हमने एक बाउल लिया है दही और थोड़ा सा पानी लिया और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, ये हमें कढ़ी के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है और जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तब हम एक्स्ट्रा से और वाटर ऐड करेंगे। A little longer than a few minutes later. इधर हमारे पकौड़े बनके तैयार हो रहे हैं। एक तरफ से ब्राउन हो गए गोल्डन, तब हमने इनको टर्न कर दिया है। जब ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे पकौड़े दोनों तरफ से काफी अच्छे हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। बस देखिए अब हमारे जो पकौड़े हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके बाहर निकाल लेंगे। ये हमने प्याज और धनिया के बनाए हैं। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं विदाउट अनियन तो भी आप वो बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए सारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। तो सबसे पहले ऑयल गरम है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लेंगे हम मस्टर्ड सीड, फिर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें मिक्सर और हम थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने डालना है पानी। तो मैंने यहाँ पे दो बड़े गिलास पानी लिया है। अब हम इसे चलाते रहेंगे ताकि इसके लम्स ना बन पाए। अब हमारी देखिए कढ़ी काफी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें एक एक करके सारे अपने जो पकौड़े बनाए थे वो डाल देंगे। और इसको 5 मिनट्स के लिए हम और पकाएंगे। 5 मिनट्स लेटर देखिए हमारी कढ़ी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। तो अब हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने पैन लिया, उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें हम ला देंगे हल्का सा जीरा और हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च। डालेंगे 2 या 3 लाल मिर्च और इनको अच्छे से लाल होने देंगे।
तो जो हमें तड़का बनाया था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और हमने ये धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये देखिए हमारी कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी कड़ी बनकर तैयार है। ये देखिए अब बहुत ही हमारी टेस्टी कड़ी बनकर तैयार है। आप इसको पुलाव के साथ, राइस के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट टाइम हम एक और नई बढ़िया रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।